जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। गरीब का होगा। हमें बहुत ताला चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो और कोई मासूम बच्चा बेसहारा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, वो दौलत चाहिए। जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो, उसमें काली सिंह का हिस्सा है। लूटो हराम की दौलत और आचनाए सर पे कभी जियो उन्हीं। आज हम दक्षिण दिशा चलेंगे। दक्षिण दिशा। हाँ, और ये पता लगाओ कि ये लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। अगर हमें लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा। परिवार मिल जाएगा। और काली सिंह के बंदों की बोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, काली वर्दी पहनाया, जंगलों के खाक छनाया, हाथ में बंदूक थमाया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो लाखन से। एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ और यहां से कूच करो। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय भाई, ये बताओ कि इस वक्त हमारे जूनागढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके जूनागढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है मालिक, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए, अगर हमारी प्रजा ये खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। जी मालिक। शिवाई, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई। जी। और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। मैं हर वक्त हमेशा यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूँ। जी बाबू साहब। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो, काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। ठीक है बाबू साहब, जैसे आपकी आती। अरे हाथ जोड़ विनती करूं बात है। आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी,
हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? चौबीस घंटे फिक्र में बैठी रहूं, मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी का भरोसा क्या है। आज हम हैं, कल ना रहे। हम अपने बेटी के जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी, आपकी साल पढ़ाई कर ले दीजिए, उसके बाद जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर ये बात है बेटी तो आपकी साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में देखेंगे। जी बाबूजी, चलिए। आप सुबह से खेत की तरफ निकले, अभी तक भोजन किया नहीं, आपको भूख लगी होगी। चलिए सबसे पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप क्या मन हो वहाँ जाना। हाँ बेटी, खेत पे कुछ जरूरी काम था, मजदूरों को लेकर के मैं काम करवा रहा था। सिपाही, चलो तुम भी हमारे साथ, तुम्हें भी भूख लगी होगी, चलो सबसे पहले भोजन करो, उसके बाद बाकी का काम देखेंगे। चलिए। चमकत रहे, अब तो तुम सहरी और झुरा चली जात। का भौजी बताओ, अगबने देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? का बबुआ, क्या बताऊं जीरू, तुम तो जानते हो घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, मार बाबूजी का सेवा करना, अभी तक मेरे पास कोई ननन नहीं थी। भगवान ने वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी, एक ननन भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन, चाय नाश्ता समय से तेरे भैया काम कराने के लिए जाते हैं खेत में मजदूरों से, उनको भी समय से खाना पीना कराना पड़ता है, परेशान हो जाती हूँ। सिर ये बात बैठ कर सोच रही थी। बड़ी मेहनत कर पड़ जाती है, तुम्हार मेहरारू बर्दाश्त कर लिया, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कह पाओ, तुम्हारे जगह हमारा मेहरारू हो तो मुहे में मूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे माँ हैं, हमारे बाबूजी हैं, इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हैं, इनका फर्ज हमारा सेवा करना। और चांदनी अभी छोटी है, मेरी ननंद है, उसका भी लालन पालन करना मेरा फर्ज है। बिमल है, मेरे पास तो अभी कोई औलाद है नहीं, लेकिन वो माँ की तरह मुझे प्यार करता है, बेटी की तरह है वो, इतना प्यार मिलता है मुझे, कभी मायके की याद ही नहीं आती है।
उसको भी समय से चाय नाश्ता कॉलेज भेजना पड़ता है, इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं, सब देवी देवता तो घर में हैं, खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब तुमका ये सब बहुत मया थे। और क्या, एक बात बताई, तुमका को मया तो याद नहीं ना, सब तुहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल कह के दिया तो भौजी भौजी कहे नहीं को तुमका मया तो याद नहीं ना। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं। यही तो हम नीक बात को बताई नहीं ना, नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लियो तुहरे सास के नहीं देखा पिछड़ियों वो अंधर धूना रहे, लेकिन ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतो हूँ पानी ले आओ। दुनिया ससुर नीम्बी के तत्व इनका तो वह बुलावना सा आंबे के तत्व इन मांगे। तुम्हारा देवर विमल है दिन भर पढ़ाई कर, संध्या का 4 बजे आ जाती कहा भैया खेते में पानी लगाए हैं तो पानिया बांधे वो जा सका थी। हैं हम तो कह दिए नहाए के चड्डी तक फेंक दिए थे, ले भौजी धो, पता नहीं वो मसार का लाग हो का ना लाग हो। हम तो कही तुम्हार मन से तू ये घर में कमात हो, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। सेरू तू बात हद तक सही कहता है। गलत बात हम कौनो मेहरादू को बताते ही नहीं। बात हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं, चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी, चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, अगर बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है। ना जाने कहां से बवाल ला के डाल दी चांदनी को, मेरी ननंद को, ना जाने कहां से परी उठा के लाए, उसको बिठा कर सर पे मेरे बवाल डाल दिए। सही कहता है। अगर मेरे पति कमाए ना तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिले ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करे काम करने के लिए सिर्फ चंदा देवी, चंदा देवी। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं समय के अंदर, आने तेरे भैया को आज फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर बई लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी। फैसला मन से दूज कराओ। आने दे, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं, जब भूखे मरेंगे तब पता लगेगा सब लोगों को। खाना ना बने हो तो आज तुमका अंदाजा लग जाए तुमका को कितना मयास है। खाना ना बनाओ तो खुदे अंदाजा लग जाए। हम तो कह दिए मन से दूस गैर मन से दुआ ठीक है। दिमाग खराब है क्या? तुम मन से दुख चिंता ना करो भाई, ना बंदा है। आनत आने तेरे भैया को आज फैसला होकर रहे। तो खाइए मन से दुख खर्चा करें, 3 नहीं सोचे हैं भाई जाने को नहीं ना सोचे। चल अच्छा साइड में खड़ा हो जा, आने तेरे भैया को। क्या बात है भाई, इस कदर मुख फेर कर बैठ गई हो, आखिर बात क्या है? अरे जब भी मैं आता तो हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज ये बात क्या है जो इस कदर तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो? क्या हुआ बे, ये क्या है? क्या हर कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में
चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बर